Assalamualaikum viewers, welcome to United Auto Motorsports by Umar Ashraf. टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे आज जिस बाइक का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज़ कावासाकी निंजा 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर। और इस बाइक को स्काईलाइन भी बोला जाता है इस मॉडल को। ये बाइक पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल से आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, जिसको स्काईलाइन या निंजा कावासाकी निंजा का रेप्लिका भी बोला जाता है। इसमें 2 वेरियंट आते हैं, एक 250 सीसी सिंगल सिलेंडर और दूसरा 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर। ये स्पेसिफिक बाइक जो आप देख रहे हैं ये 2019 का मॉडल है, रावलपिंडी रजिस्टर्ड ये बाइक है। 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर है। 250 सीसी और 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर में परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है, साउंड का डिफरेंस होता है। जो ड्यूअल सिलेंडर बाइक्स हैं उनकी साउंड कंपैरेटिवली क्लोज टू जैपनीज बाइक होती है, जबकि सिंगल सिलेंडर की बाइक ये आवाज़ जो है थोड़ी सी लाउड होती है। तो ये ड्यूअल सिलेंडर बाइक है जिसकी साउंड टेस्ट भी अभी आपको करवाते हैं और राइड टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर साउंड हो जाती है। उसके अलावा अभी आपको दिखाते हैं इस बाइक का 360 व्यू, कुछ टेक्निकल डिटेल्स और उसके बाद बात करेंगे हम इसकी प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, ये है फ्रंट लुक ऑफ निंजा स्काईलाइन 350। फ्रंट से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कावासाकी का जो ओरिजिनल 300 सीसी मोटरसाइकिल आता है, कावासाकी निंजा 300 एग्जैक्टली डिटो रेप्लिका है, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज कि इसकी लाइट के अंदर आपको यहाँ पर LEDs मिलती हैं जो कि ओरिजिनल मॉडल के अंदर नहीं होती, और अगर आप चाहें तो ये LEDs डिसंगेज भी हो सकती हैं। तो ये है फ्रंट लुक व्यूअर्स कावासाकी निंजा 300 के रेप्लिका की। हेडलाइट्स इसके अंदर क्रिस्टल बेट्स हेडलाइट दी गई हैं, येलो कलर की इसके अंदर बल्ब्स लगाए गए हैं और साइडों के ऊपर LED लगाई गई है। उसके अलावा फ्रंट टायर की अगर व्यूअर्स बात कर ली जाए तो इसका फ्रंट टायर 110/70/17 का टायर इंस्टॉल किया जाता है इसके अंदर। डिस्क की बात करें तो फ्रंट के ऊपर ड्यूअल डिस्क ब्रेक में ड्यूअल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है। उसके अलावा ये ड्यूअल सिलेंडर इंजन है, कावासाकी 350 का रेप्लिका है, जोंगशन का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंजन इसके अंदर लगाया गया है। 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर विद 6-स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन इस बाइक का इंजन है। वाटर कूल टेक्नोलॉजी है इस बाइक के अंदर, रेडिएटर बेस्ड है, ये रेडिएटर लगा हुआ है। ड्यूअल सिलेंडर होने की वजह से इसके आगे फ्रंट पे आपको 2 एग्जॉस्ट दिखाई दे रहे हैं। 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर जो कि 38 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। कावासाकी निंजा 350 का रेप्लिका, रावलपिंडी रजिस्टर्ड ये बाइक है। और अगर इसके रेयर टायर के बारे में बात कर ली जाए तो रेयर के ऊपर 150/70/17 का टायर इंस्टॉल किया जाता है और रेयर के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दी जाती है। रेयर के ऊपर इसका एक मोनोशॉक लगाया गया है, एक अच्छा पावरफुल मोनोशॉक एडजस्टेबल, जिससे आप सस्पेंशन हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं। एग्जॉस्ट की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर M4 का एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है। 350 सीसी ड्यूअल सिलेंडर मोटरसाइकिल विद 38 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। इंजन की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर 367 डिस्प्लेसमेंट, इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट 367 है। ब्लॉक इंजन इसके अंदर दिया गया है और कार्बोरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, आप कार्बोरेटर देख सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी के कार्बोरेटर इंस्टॉल किए गए हैं। व्यूअर जोंगशन एक ऐसी कंपनी है जो कि होंडा का OEM वेंडर भी है और डेफिनेटली इनकी इंजन की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस इंपोर्टर की बाइक ले रहे हैं और वो किस किस्म की क्वालिटी लेके आता है। ओवरऑल इस बाइक की अगर साइड्स भी आप देखें तो एग्जैक्टली इसकी लुक वही है जो कावासाकी निंजा 300 की लुक्स हैं, सेम वही कलर स्कीम
वही स्टिकरिंग, उसी किस्म की ये बाइक है। देखने में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। ओरिजिनल बाइक का टायर साइज़ भी यही है और इसका भी। उसके अलावा व्यूअर बहुत सारे हमारे क्लाइंट हमारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन करते हैं तो क्या इसके अंदर फैट टायर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो व्यूअर ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गैप कितना है। इस बाइक के अंदर 180 का भी फैट टायर इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद होती है कि आप इसके अंदर 180 55 17 का टायर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक ऐसा जेनेरिक क्वेश्चन है जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे से करते हैं कि हमारे बाइक में क्या फैट टायर इंस्टॉल हो सकता है। तो व्यूअर्स इसके अंदर 180 तक का टायर इंस्टॉल किया जा सकता है। बट एक चीज़ को बिल्कुल ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि जो आप जैपनीज़ बाइक देखते हैं उसके स्विंग आर्म में गैप ज़्यादा होता है और उसका जो रिम साइज़ है रिम की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस 300cc मोटरसाइकिल। इसके ऊपर 180 का टायर तो लगाया जा सकता है बट इसके अंदर 180 वाली लुक्स डेफिनेटली नहीं आएंगी क्योंकि ये रिम कम चौड़ा है और इसकी विड्थ टायर की बड़ी भी तो आपको नज़र आएगी लेकिन एक जैपनीज़ बाइक वाली नज़र नहीं आएगी। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कावासाकी के ओरिजिनल 300 के साथ तो एग्जैक्टली सेम वही टायर साइज के अंदर इंस्टॉल किया गया है, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस मौजूद नहीं है। व्यूअर्स उसके बाद बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की। इसके अंदर 17 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी है, 17 लीटर पेट्रोल इसके अंदर डाला जा सकता है। ग्रिप की बात कर दीजिए तो राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, हेडलाइट की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी जाती है। इस साइड के ऊपर आ जाएं तो आपको डिपर की ऑप्शन दी जाती है, लो हाई की ऑप्शन दी जाती है, चोक की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर्स की और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा व्यूअर्स इसके मीटर की जगह जाने पर अगर जाए तो एग्जैक्टली वही मीटर है जो कावासाकी निंजा 300 के अंदर लगाया जाता है। दोनों के मीटर में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, ये वही मीटर है जो कावासाकी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसकी मीटर के अंदर आपको न्यूट्रल की ऑप्शन दी जाती है, आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप मीटर की ऑप्शन दी जाती है, उसके अलावा फ्यूल गेज की ऑप्शन दी जाती है, स्पीड की ऑप्शन दी जाती है, गियर की ऑप्शन दी जाती है और टाइम की ऑप्शन भी दी जाती है। ओवरऑल बाइक की कंडीशन के बारे में व्यूअर बात करते हैं। ये 2019 का मॉडल है, रावलपिंडी रजिस्टर्ड है बट ये टोटल बाइक की कलर स्कीम चेंज की गई है। इसकी ओरिजिनल कलर स्कीम ग्रीन थी और इसके अंदर वो दोबारा से रीपेंट किया गया है। रीपेंट करने की वजह किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं है बट इसकी कलर स्कीम को चेंज करना था। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी कलर स्कीम चेंज की गई है। ओवरऑल बाइक इज़ इन अ गुड कंडीशन। पेंट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो पेंट क्वालिटी इसके अंदर हम कह सकते हैं कि 8 out of 10 है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है अपने व्यूअर्स को एग्जैक्ट बाइक की कंडीशन बताऊं क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे से कांटेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग ट्रस्ट ऐसा करते हैं कि बगैर बाइक देखे भी हमारे से परचेस करते हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश यही होती है कि हम बाइक की एग्जैक्ट डिटेल्स अपने व्यूअर्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो व्यूअर्स कंडीशन वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है, इंजन इसका बाइक का बहुत अच्छा है, बॉडी ओवरऑल नीट एंड क्लीन है बट टोटल बॉडी शावर है जो इसकी प्राइस को इतना इम्पेक्ट नहीं करती। बट स्टिल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंप्लीट डिटेल्स आप तक पहुंचाएं। इसका 360 एक दफ़ा फिर से आपको दिखाते हैं, सेम वही कावासाकी निंजा 300 की लुक्स, वही टायर साइज। उसके अलावा व्यूअर्स आपको जो बाइक की डिस्क प्लेट्स होती हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। डिस्क प्लेट की कंडीशन आपको बताती है कि क्या बाइक की माइलेज ओरिजिनल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मीटर बंद किया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मीटर रिवर्स हुआ हुआ है। तो जब आप बाइक की डिस्क ब्रेक्स की जानेब जाते हैं तो आपको डिस्क ब्रेक की कंडीशन बता देती हैं कि बाइक की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। तो व्यूअर्स एक वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट लेके ज़रूर ऐसी आएंगे जिसके अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बाइक परचेज़ करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। और व्यूअर एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताता चलूँ, प्रिकॉशनर होती हैं बेसिकली कि जो आपके ड्यूअल सिलेंडर मोटरसाइकिल हैं, जितने भी रेडिएटर बेस्ड मोटरसाइकिल हैं, वाटर कूलेंट जिसके अंदर डाला जाता है, रेडिएटर वाले मोटरसाइकिल हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका कूलेंट लेवल चेक करें जब भी वो बाइक चलाएं। तो बाइक चलाने से पहले या आप एक देख सकते हैं आपको नज़र आ रही होगी एक वाइट कलर की बॉटल है जो जिसके अंदर आप कूलेंट को रीफिल करते हैं। तो मेक श्योर आप बाइक निकालने से पहले चेक करें कि क्या उसके अंदर कूलेंट मौजूद है, उसका ऑयल लेवल आपको चेक करना चाहिए क्या उसका ऑयल लेवल पूरा है। जब भी बाइक राइड करें ये अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं आप बाइक राइड करने से पहले टेस्ट चेक कर लेंगे तो आपके बाइक प्रॉब्लम से अवॉइड करेंगे, आपके बाइक की लाइफ बेहतर होगी। तो व्यूअर्स ये सारी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, आप बात करते हैं इसकी कुछ प्राइसिंग के बारे में। जी तो व्यूअर्स ये था रिव्यू और साउंड टेस्ट कावासाकी निंजा 300 के रेप्लिका का
और 350cc ड्यूअल सिलेंडर कार्बोरेटर बेस्ड मशीन का 2019 का मॉडल रावलपिंडी रजिस्टर्ड। और इसकी प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं स्पेशल प्राइस फॉर आवर चैनल सब्सक्राइबर इज 4,65,000 रुपीज़, 4,65,000 रुपये इस बाइक की प्राइस है जो कि एक स्पेशल प्राइस है यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए। वैसे इसकी रूटीन की प्राइस आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखेंगे, बट हमारे चैनल के सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल प्राइसिंग हम लोग ऑफर करते हैं। तो व्यूअर्स हमें विजिट करना मत भूलें, अपनी किसी किस्म की रिक्वायरमेंट बाइकिंग से रिलेटेड, सेफ्टी गियर्स के से रिलेटेड आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स पर विजिट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 03215400001 पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।